लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। अनिल परब आज भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, कितने दिन छुपे गए, साई रिपोर्ट घोटाले के जवाब नहीं दे पा रहे, इसके लिए साई मंदिर का दर्शन करने के लिए साई बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए भागे हैं। राहुल गांधी को हाजिर होना पड़ा तो अनिल परब को हाजिर होना ही पड़ेगा। हमने सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सब एजेंसी को दिए, इनकम टैक्स को, ईडी को, जो साई रिसोर्ट बना है, साई रिसोर्ट एनेक्ट 25 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। अभी इनकम टैक्स, ईडी, अलग अलग एजेंसी जांच कर रही है, 6.5 करोड़ का कैश पेमेंट रिसोर्ट बनाने के लिए दिया गया, 7.42 करोड़ अनिल परब के पार्टनर सदानंद कदम के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कबूल किया कि रिसोर्ट के चेक पेमेंट हमने किए, 15 करोड़ की ये ताई रिसोर्ट की प्रॉपर्टी अनिल परब ने, उसका टैक्स दिखा रहे लेकिन प्रॉपर्टी नहीं दिखाई, खर्च नहीं दिखाया, तो ये 15 करोड़ बेनामी प्रॉपर्टी हुई। ये 15 करोड़ का जो पेमेंट हुआ, कैश पेमेंट कहां से आया, वो खरमाटे से आया या सचिन वादे से आया, ये जांच इनकम टैक्स ने भी करनी पड़ेगी, ईडी ने भी करनी पड़ेगी। और मैं और एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के द्वारा कुछ भी उठपटांग ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन घोटाला हुआ तो जांच तो होगी। अभी अनिल परब है, कल जाकर उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की भी जांच हो सकती है, 13 फ्लैट उनके ईडी ने जब्त किए हैं, तो जब तक हुए वो पैसा कहां से आया वो श्रीधर पाटनकर और उद्धव ठाकरे ने बताना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे ने 7 करोड़ कोमोर स्टॉक कंपनी में नंदकिशोर चतुर्वेदी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किया है, उसका जवाब देना पड़ेगा। अयोध्या जाने से पाप नहीं धुलने वाला है और भगवान साई के दर्शन करके साई रिसोर्ट का घोटाला नहीं छुपने वाला है। जो महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार पहले दिन से एक माफिया, ड्रग माफिया से ऊपर कोई भी विरुद्ध में बोलेगा तो जेल में भेजा जाएगा, ये उद्धव ठाकरे शरद पवार का सूत्र है। जो सोशल मीडिया में नेवल ऑफिसर ने प्रारंभ में कार्टून किया था तो उद्धव ठाकरे के गुंडों ने जाके उसके घर में जाके मारपीट की थी, वो सीतामणि तिवारी उसके घर में वड़ाला झोपड़पट्टी के बाहर मुंडन किया गया था। अब केत की चितड़े हो या दूसरा हो नौजवान है, उसको महीना महीना जेल में रखना, ये सिर्फ ड्रग माफिया के ऊपर वाले माफिया की ठाकरे पवार सरकार ही कर सकती है। ओके, लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।